राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। पूरे देश की नजरें हैं कि इस सीट से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल और बीजेपी के कैलाश चौधरी में से किसे जीत मिलेगी। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को उम्मेदाराम बेनीवाल से कमजोर स्थिति में बता रहा है। इस बीच द पीके टाइम्स ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस सीट पर जनता किस नेता को जितवा रही है, तो लोगों ने बताया कि जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा से तो 100% रविंद्र सिंह भाटी की जीत है, क्योंकि दो पार्टियां हैं और तीसरा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो निर्दलीय खड़ा हो। टिकटों के टाइम तो 10 से 15 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद बाकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा लीडर अगर कोई है तो पहली बार रविंद्र सिंह भाटी आया है। वहीं लोगों से बातचीत के दौरान वहां मौजूद एक अन्य शख्स ने बताया, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 2,00,000 वोटों से उम्मेदाराम बेनीवाल जीतेंगे। उम्मेदाराम बेनीवाल को वोट ज्यादा मिला है और भाटी को वोट कम मिला है, क्योंकि बाड़मेर में जाट, राजपूत और मुस्लिम वोटर ज्यादा है, इसलिए कोई भी दो समुदाय जिसके साथ हो वो जीत जाता है। अब की बार जाट मुस्लिम एक तरफ है, क्योंकि भाटी का हिंदुत्व बैकग्राउंड मुस्लिमों को रास नहीं आ रहा। वो सचते हैं अगर भाटी जीत जाएगा तो भी बीजेपी के साथ जाएगा, इसलिए भाटी की स्थिति कमजोर हो सकती है। मुस्लिम वोटर शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। ये बात अलग है कि हाल ही के दिनों में बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। अब देखना ये होगा पश्चिमी राजस्थान की जनता किसको विजय बनाती है और जीता हुआ नेता कितना अपने वादों पे खरा उतरता है। हालांकि कौन नेता जीतेगा, इस बात का फैसला तो 4 जून को ही हो पाएगा, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होंगे।